इस वीडियो में मैं आपको यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर इंग्लिश में शॉर्ट स्टोरी के अंतर्गत पहला पार्ट द गोल्ड वॉच के विषय में बताने चल रहा हूँ। इसका पूरा हिंदी में सारांश, हिंदी में अर्थ मैं बताने चल रहा हूँ। पूरी कहानी आप देखें पैराग्राफ में। इस कहानी में एक गरीब मजदूर की क्या क्या परेशानी है उसका वर्णन किया गया है। स्वाभाविक कहानी है, हमारे समाज की कहानी है। एज ऑन मेनी प्रीवियस नाइट्स शंकु कुड नॉट गेट एनी स्लीप दैट नाइट। पिछली रातों की तरह से शंकु आज रात को भी आराम से सो नहीं सका। यानी कई रातों से शंकु जाग रहा था और मन में एक योजना बना रहा था घड़ी चुराने का, लेकिन चुरा नहीं पा रहा था, डर जाता था पकड़ लिया जाऊंगा, चोर मुझे कहा जाएगा, क्योंकि वास्तव में वो चोर नहीं था। तो इस भय से योजना बनाता रहता था, उस योजना बनाने में जगता था। तो कई रात पहले से पीछे की रातों की तरह से आज रात को भी शंकु नहीं सो पाया। आज रात कौन सी रात है, माने कल घड़ी चुरा लेगा उसके एक दिन पहले की रात। कल वो घड़ी चुराएगा उस और आज की रात, एक दिन पहले वाली रात। ही टर्न्ड एंड टॉस्ड इन हिज बेड। वह अपने बिस्तर पर जो है मुड़ता था और करवटें बदलता था। बट इट वॉज नो यूज, लेकिन इसका कोई उपयोग नहीं था। यानी कितना हूँ करवट बदलता था और उसे नींद नहीं आती थी। द मोर ही थाट द वर्स ही फेल्ट। जितना ही ज़्यादा वो सोचता था उतना ही और बुरा महसूस करता था। द मोर ही थाट, जितना ही ज़्यादा वो सोचता था द वर्स ही फेल्ट, उतना ही बुरा और महसूस करता था। ही क्लोज्ड हिज आइज, वह अपनी आँखों को बंद कर लिया। एंड ले ऑन हिज टर्न मैट इन द डार्कनेस, और अंधकार में अपनी फटी हुई चटाई पर लेट गया। यानी अपने झोपड़ी में, अंधकार था उसकी झोपड़ी में और उसी में एक फटी हुई चटाई थी, उसी पर लेट गया। एंड एट ही कुड सी इट एज क्लियरली एज ड्यूरिंग द डे। एंड एट, और फिर भी ही कुड सी इट, वह देख सकता था एज क्लियरली स्पष्ट रूप से सारी चीज़ें एज ड्यूरिंग द डे, जैसे दिन में दिखाई देता है। यानी जिस प्रकार दिन में दिखाई देता है वैसे ही रात के समय भी अपनी फटी हुई चटाई पर लेटे हुए सारी चीज़ें उसको आंख बंद करने के बाद भी दिखाई देती थी। आप जिन जिन चीज़ों को देखे हैं अगर आँख बंद कर लीजिए तब भी आपको वो चीज़ें दिखाई देती हैं, क्योंकि मन की आँख से आप देखते हैं, मन से, तो सारी चीजें दिखाई देती थी। दी डिजर्टेड ऑफिस रूम, वह वीरान ऑफिस का कमरा, कार्यालय का कमरा। व्हेन एवरीवन हैड गॉन आउट, जब सभी लोग बाहर चले जाते थे फॉर रेस्ट, आराम करने के लिए, आर फॉर लंच या दोपहर का भोजन लेने के लिए। दी ग्लास विंडो, ग्लास माने शीशा, विंडो माने खिड़की, वो शीशे की खिड़की। वाज ओनली पार्टली क्लोज्ड, जो थोड़ी सी खुली रहती थी बाकी बंद रहती थी। ऑन वन एंड ऑफ द टेबल, और मेज के एक छोर पर, एक किनारे पर, एंड माने किनारा, मेज के एक किनारे पर, इनसाइड अंदर की ओर, वेयर ए फ्यू फैट वॉल्यूम्स, कुछ मोटी किताबें रखी रहती थी। एट द अदर एंड, और उस मेज के दूसरे छोर पर, दूसरे किनारे पर, ए पेन, एक कलम होती थी। एन इंक पॉट, इंक बॉटल, और एक स्याही की दावत हुआ करती थी। एंड सो फोर्थ, और कुछ अन्य भी चीज़ें होती थी। एंड इन बिटवीन, और इसी के बीच में, वाज ए गोल्ड वॉच, एक सोने की घड़ी होती थी। गोल्ड माने सोना। विथ इट्स गोल्ड चेन, और इसका जो गोल्ड चेन होता था, सोने का जो चेन होता था, जंजीर होती थी जिससे बांधा जाता है। Placed on a book,
वह इसी किताब पर पड़ा रहता था, घड़ी मेज पर रहती थी और उसका चेन उसी किताब के ऊपर रहता था। ओपन द विंडो, ओपन द विंडो, ओपन द विंडो, खिड़की खोल दीजिए। एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड अबाउट ए फुट, और थोड़ा सा अपना हाथ एक फिट अंदर कीजिए। एंड यू कैन पिक इट अप, आप इसे आसानी से उठा सकते हैं। एवरी वन इज आउट फॉर लंच, सभी लोग जो है लंच लेने के लिए बाहर गए रहते थे। नो बडी विल नो, और कोई भी इसे जान नहीं पाएगा, सभी लोग बाहर चले जाते थे, किसी को इसके विषय में पता नहीं चल पाएगा, कोई देख नहीं पाएगा कि घड़ी ले लिया गया, कोई नहीं देख पाएगा। शंकु रिमेम्बर्ड हिज एफर्ट्स, शंकु अपने प्रयास के विषय में याद किया कि उसने कितनी बार प्रयास किया घड़ी चुराने का। हिज कावर्डिस, और अपनी उस कायरता के विषय में भी याद किया कि वो घड़ी नहीं चुरा पाता था। हिज वेसिलेशन, और अपने उस उहापोह की स्थिति के विषय में भी याद किया कि चुराऊं कि न चुराऊं, यानी निर्णय नहीं कर पाता था। ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज, कुछ दिनों के दौरान, यानी कुछ दिनों से वो यही योजना बनाता था घड़ी चुराने का, लेकिन चुरा नहीं पाता था। कायरतापूर्ण भावनाएं आ जाती थी, नहीं चुरा पाता था, उहापोह की स्थिति रहती थी। इसके विषय में फिर एक बार उसने याद किया कि कितने दिनों से मैं ये योजना बना रहा हूँ। ही हैड नेवर सीन एनी वन देयर एट दैट टाइम, उसने वहाँ कभी भी किसी को नहीं देखा था। एंड इट, फिर भी ही हैड बीन एफ्रेड, फिर भी वो डर जाता था। ही हैड ट्रम्बल्ड, वो कांप जाता था। एंड फेल्ट ब्रेथलेस, और बिल्कुल श्वासहीन महसूस करने लगता था, यानी उसकी सांसें तेजी के साथ चलने लगती थी, घबरा जाता था। दैट वॉज, यही कारण था वाई ही हैड रिफ्रेंड, यही कारण था कि ही हैड रिफ्रेंड, रिफ्रेंड माने होता है अलग कर दिया जाना, रुक जाना। ही हैड रिफ्रेंड फ्रॉम टेकिंग द वॉच एवरी टाइम, यही कारण था कि हर बार वह जो है घड़ी लेने से अपने वंचित रह जाता था। रिफ्रेन माने वंचित रह जाना, वंचित वंचित रह जाता था, यही कारण है कि वो बार बार घड़ी से वंचित रह जाता था। इट वुड नॉट डू टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर, शंकु ने सोचा कि अब इसको बहुत लंबा खींचना ठीक नहीं है। इट वुड नॉट डू टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर, अब इसे और लंबा रोकना ठीक नहीं है। अगर हमें चुराना है तो हमें घड़ी चुरा लेना चाहिए। इफ ही थॉट एनी फर्दर, ही वुड नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। इफ ही थॉट एनी फर्दर, यदि वह कुछ भी अलग सोचता है, आगे कुछ और सोचता है, बार बार इसके विषय में सोचता है, तो ही वुड नॉट बी एबल, तो वह सक्षम नहीं हो पाएगा। एबल माने सक्षम होना, बी माने होना, एबल माने सक्षम, तो वह सक्षम नहीं हो पाएगा टू डू एनी थिंग, कुछ भी करने से, तो वह कुछ भी करने में सक्षम नहीं हो पाएगा। ही माइट इवन ब्लर्ट आउट, ब्लर्ट आउट माने होता है अचानक कह देना, और हो सकता है कि किसी दिन अचानक ब्लर्ट आउट हिज इंटेंशन, वह अपने हिज इंटेंशन, इंटेंशन माने अभिप्राय, वह अपने अभिप्राय को कहीं कहते, अचानक उसके मुंह से जो है उसका अभिप्राय, उद्देश्य बाहर आ जाए। क्या अभिप्राय था? घड़ी चुराने का, किसी के सामने अचानक उसके मुंह से निकल जाए घड़ी चुराने की बात, एक्सीडेंटली, दुर्घटनावश निकल जाए। सो इसलिए ही मस्ट टेक इट टुमारो, इसलिए अब यह काम जरूर कल हो जाना चाहिए। शंकु ने निश्चय किया कि अब यह काम कल अवश्य हो जाना चाहिए, इसे रोकना अब ठीक नहीं है। सपोज ही डिड नॉट, मान लीजिए अब तक, यदि उसने अब तक नहीं किया है, नहीं किया, तो कल अवश्य यह काम हो जाना चाहिए। यह बात शंकु अपने मन में निश्चय किया कि अगर अब तक नहीं किया तो ठीक है, कल अवश्य हो जाना चाहिए। संकुच थाट बिगेन टू लिंगर ओवर द थार्नी प्रॉब्लम्स ऑफ हिज लाइफ, संकुच थाट, शंकु के विचार जो थे, बिगेन टू लिंगर,
चक्कर काटने लगे, घूमने लगे किस पर, ओवर द थार्नी प्रॉब्लम्स ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन की थार्नी माने कांटेदार प्रॉब्लम्स माने समस्याओं पर, अपने जीवन की कांटेदार समस्याओं पर उसके विचार घूमने लगे। कांटेदार समस्याओं का मतलब क्या है? वो समस्या जो कांटे की तरह से चुभती है, माने बार बार परेशान करती है, बार बार वो दिमाग में आती है, उसे थार्नी प्रॉब्लम्स कहते हैं। टुमारो वुड बी दी थर्ड डे ऑफ द मंथ, उसने सोचा कि कल जो है महीने का तीसरा दिन होगा। इन अंदर थ्री डेज, अगले तीन दिनों बाद ही वुड गेट हिज पे, उसे अपना पे मिलेगा, माने वेतन मिलेगा। 13 रुपीज़ फॉर 13 डेज, 13 दिन के लिए 13 रुपये उसे मिलेंगे, यानी प्रतिदिन 1 रुपये मिलते थे और महीने भर पूरा उसे काम भी नहीं मिलता था, डेली वेजेस कर्मचारी था तो इसलिए रोज़ काम भी नहीं मिलता था। महीने भर में पूरे महीने भर में 13 दिन काम मिला था तो 13 दिन के लिए 13 रुपये उसे मिलेंगे। ही हैड टू पे 4.5 रुपीज फॉर परचेजेज एट द स्टोर, ही हैड टू पे, उसे देना था 4.5 रुपीज, 4.5 रुपये फॉर परचेजेज, कुछ सामानों के लिए एट द स्टोर, जो स्टोर से वो खरीदा था। यानी स्टोर से उसने कुछ सामान लिया था, उसके लिए उसे 4.5 रुपये देने थे। देयर वुड बी ए बैलेंस ऑफ 8.5 रुपीज, और इस प्रकार उसके पास बचेंगे 8.5 रुपये। ही हैड रीपेड ओनली 5 out of 10 रुपीज, ही हैड रीपेड ओनली 5 out of 10 rupees he had borrowed from the fund of the previous month to go home for his mother's death anniversary. He had repaid, उसे पुनः देना था only 5 rupees out of 10 rupees, 10 रुपये में से, यानी 10 में से 5 उसको जमा करना था। वो 10 कौन सा था? अतो he had borrowed, वो 10 रुपये उसने उधार लिया था, कर्ज लिया था from the fund, अपने फंड से, दी प्रीवियस मंथ, पिछले महीने में, टू गो होम, घर जाने के लिए, फॉर हिज मदर्स डेथ एनिवर्सरी, अपने माँ की मृत्यु की वार्षिकी पर, बरखी, अपने माँ के मृत्यु की वार्षिकी पर उसको वार्षिकी करना था, इसलिए अपने फंड से 10 रुपये लिया था, उसमें से 5 रुपये उसे जमा करना था। नो, ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 rupees विथ इंटरेस्ट एट 6 paise a rupee a week, नहीं तो ही मस्ट पे, उसे निश्चित रूप से देना पड़ेगा द रिमेनिंग 5 rupees, जो बचा हुआ 5 रुपये हैं, विथ इंटरेस्ट, सूद के साथ, एट 6 paise a rupee a week, एक सप्ताह में 1 रुपये का 6 पैसे के हिसाब से उसे इंटरेस्ट भी देना होगा। एट द टी शॉप, चाय की दुकान पर, ही ओवेड ओवर 3 rupees, वह 3 रुपये उधार लिया था फॉर 2 weeks, 2 सप्ताह पहले, बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त प्रीवियस एरियर्स, प्रीवियस माने पूर्व के, पहले के, एरियर माने अवशेष, बकाया, कुछ पूर्व का भी अवशेष बकाया था, अमाउंटिंग 2.5 rupees, वह लगभग 1.50 rupees था। ही ओवेड 6 rupees टू अली, वह 6 रुपये अली से भी कर्ज लिया था फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस, अतिरिक्त चावल की सप्लाई लिया था, यानी अतिरिक्त चावल लिया था 6 रुपये का, वो भी था, बीड़ी लिया था, एंड अदर ओट्स एंड इंट्स, और कुछ अन्य भी सामान लिया था, चिटफुट सामान लिया था। 1 month's हाउस रेंट, 1 महीने का हाउस में घर का रेंट माने किराया वाज 3 rupees, वह भी 3 रुपये था, वो भी उसे देना था। इन एडिशन टू दीज सम्स, और इन राशियों के अतिरिक्त,
ही हैड टेकन स्मॉल लोन्स ऑफ 12 पाइस। उसने छोटा मोटा और भी कर्ज लिया था, 12 पैसे का एक कर्ज लिया था, 25 पाइस 25 पैसे का कर्ज लिया था, एंड 50 पाइस और 50 पैसे कर्ज लिया था फ्रॉम सेवरल पीपल, कई लोगों से, तमाम लोगों से। एंड हिज वाइफ हैड रिमाइंडेड हिम, और उसकी पत्नी उसे बार बार याद दिलाती थी, 2 डेज बिफोर, 2 दिन पहले से ही, अबाउट दी 1 रुपीज, 1 रुपये के विषय में, टू बी पेड, जो दिया जाना था, टू द फिश वोमेन, मछली बेचने वाली महिला को देना था, 1 रुपये की मछली ली गई थी पहले। शंकु मेंटली एडेड अप द टोटल अमाउंट, शंकु अपने मन में इस पूरी राशि को जोड़ा, पूरी राशि को जोड़ा, कैलकुलेट किया, दैट ही नीडेड, जो उसको आवश्यकता थी, यानी जितने पैसों की आवश्यकता थी उसे वह अपने मन में जोड़ा। आगे पैराग्राफ देखिए, व्हाट ही वॉज गोइंग टू गेट वॉज जस्ट 8.5 रुपीज, जो वह प्राप्त करने जा रहा था वह मात्र 8.5 रुपये था, क्योंकि 5 रुपये तो वहीं फंड का कट जाएगा, माँ की बार स्की पर लिया था तो 5 वहीं जमा कर देना था, इसलिए 8.5 बच रहा था, सॉरी 4.5 रुपये तो उसने पहले ही बंद कर दिया, 8.5 13, हाँ 8.5 रुपये उसके पास बचेंगे। व्हाट ही वॉज गोइंग टू गेट वॉज जस्ट 8.5 रुपीज, 8.5 रुपये, क्योंकि 4 रुपये जो है, ही हैड टू पे 4.5 रुपीज परचेजेज, कुछ सामान लिया था तो 4.5 रुपये तो वहीं जमा कर देना था, तो उसके पास बचेंगे 8.5 रुपये। व्हाट ही ओवेड वॉज 22 रुपीज 13 पाइस, एंड व्हाट ही ओवेड, और जो वह कर्ज लिया था वह कुल 22 रुपीज 22 रुपये 13 पाइस 13 पैसे थे। ही हैड अदर नीड्स टू, इसके अतिरिक्त भी उसे कुछ पैसों की आवश्यकता थी। ही हैड बारोड 3 रुपीज फ्रॉम हिज वाइफ, वह अपनी पत्नी से भी 3 रुपये कर्ज लिया था। दिस वॉज आउट ऑफ द सम, यह उन राशियों में से थी, सी हैड स्लोली सेव्ड, जिसे उसकी पत्नी धीरे धीरे बचाई थी, अप नाउ एंड देन, इधर उधर करके, थोड़ा बहुत रोज के सामान में कटौती करके, इन आर्डर टू बाई ए वेस्ट चेन, एक करधनी खरीदने के लिए, फॉर द यंगर चाइल्ड, अपने छोटे बच्चे के लिए कमर में बेल्ट, करधनी खरीदने के लिए उसने इधर उधर से एक आध पैसे गुल्लक में इधर उधर रख करके 3 रुपये उसने इकट्ठा किया था, बचाया था। ही हैड एश्योर्ड हर दैट, और उसने जो है अपनी पत्नी को आश्वस्त किया, एश्योर्ड माने होता है आश्वस्त करना, आश्वस्त किया दैट कि ही वुड बाई इट, वह इसे खरीद देगा, ही वुड बाई इट आउट ऑफ हिज पे दैट मंथ, अगले महीने जब उसको पैसा मिलेगा तो वह निश्चित रूप से इसे खरीद देगा। संकुच हार्ट बीट अनकंट्रोलेबली फास्ट, शंकु का हृदय अनियंत्रित रूप से धड़कने लगा, थ्रो हिज हार्ट बीट्स, अपने इसी धड़कन के बीच में दौरान, ही कुड हियर द हार्स वॉयस ऑफ द टी शॉप ओनर, कुचिन्नी नाम का जो चाय का दुकानदार था उसके कठोर शब्दों को वो सुना इसी बीच में। याद किया कैसे कैसे वो कहता है, क्या क्या कठोर शब्द उसको याद किया। अलीज हालो लाफ्टर्स, अलीज के उस व्यंग भरी खोखली हंसी के बारे में याद किया कि वो भी व्यंग करते हुए हंसता है। एंड वल्गर वर्ड्स, और उसके जो भद्दे शब्द थे उसको याद किया। एंड द इरिटेटिंग टॉक ऑफ लोनापो, और लोनापो नाम जो फंड का इंचार्ज था, हु वाज इंचार्ज ऑफ द फंड, जो फंड का इंचार्ज लोनापो नाम का था, उसके क्रुद्ध करने वाले
चिढ़ाने वाले शब्दों को भी, बात को भी याद किया कि किस तरह से वो कहता है कि पैसा लिया जमा नहीं करते हो। ही फेल्ट दैट, और शंकु ऐसे महसूस किया, उसे ऐसे महसूस होता था दैट दे आर ऑल सराउंडिंग हिम, ये सब के सब उसे चारों ओर से घेरे हुए थे, लाइक राउडी बॉयज, उत्पाती लड़कों की तरह से, जैसे गांव के उत्पाती लड़के थे। आर्म विथ स्टिक्स, हाथों में छड़ी लिए हुए, डंडे लिए हुए थे। गैदरिंग अराउंड ए स्ट्रे डॉग, जिस प्रकार गांव के उत्पाती लड़के एक स्ट्रे डॉग, स्ट्रे डॉग माने आवारा कुत्ता है, ऐसा कुत्ता जो पाला पोसा नहीं गया है, छुट्टा है, उसे चारों ओर से घेर लेते हैं और डंडा लेकर के घेर लेते हैं और जिसको जितना मन करता है उसे मारते हैं, उस कुत्ते को। ठीक वही स्थिति शंकु कह रहा है मेरी थी, मैं भी उस आवारा कुत्ते की तरह से घिरा हुआ था। व्हाट ए हॉरिबल सीन, कैसा जो है ये कठिन दृश्य था। फाइंडिंग इट अनबियरेबल, इसे असहनीय पा करके शंकु टर्न्ड ओवर ऑन हिज स्टमक, शंकु अपने टर्न्ड माने मुड़ा, ऑन हिज स्टमक, स्टमक माने पेट, पेट के बल लेट गया। एंड थाट, और सोचा, आई हैव नो अल्टरनेटिव, अब मेरे पास कोई दूसरा अल्टरनेटिव माने विकल्प नहीं है, बट टू पिक इट अप टुमारो, सिवाय इसके कि घड़ी मैं कल ले लूँ, चुरा लूँ। विल इट नॉट फेच एटलीस्ट 20 रुपीज, क्या इस घड़ी का 20 रुपया भी नहीं मिलेगा। इवन 15 विल डू, 15 रुपये तो निश्चित रूप से मिल जाएगा। 15 + 8.5 तो 15 और 8.5 दैट इज 23.5 रुपीज, ये 23.5 रुपये हो जाते हैं। इट विल फेच मोर देन 15, लेकिन इस घड़ी का दाम जो है 15 रुपये से अधिक मिलेगा। He would be able to pay his debts, तो वह अपने कर्ज को अदा करने में सक्षम हो जाएगा, वह अपने कर्ज को अदा कर देगा। And live in peace, और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करेगा, फिर वो शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करेगा। A life, एक ऐसा जीवन free from debts, जो कर्ज से मुक्त होगा। With a feeling of relief, और इस भावना से उसे थोड़ी सी सांत्वना मिली, यानी इस भावना से उसे थोड़ी सी सांत्वना मिली। ही ड्रिफ्टेड इनटू ए लाइट स्लीप, और इस प्रकार उसे हल्की सी निद्रा आ गई, काफी रात भी बीत चुकी थी इसलिए उसे निद्रा आ गई। इट वॉज मॉर्निंग, सुबह का समय था, सुबह का समय था। व्हाट आर यू स्टिल एस्लीप, तो क्या तुम अब भी सोते रहोगे। संकुज वाइफ सेड, शंकु की पत्नी ने कहा, क्या तुमको अभी आज अब तक अभी सोना ही है, सोते ही रहोगे। संकुज वाइफ सेड, शंकु की पत्नी ने कहा, जेंटली शेकिंग हिज शोल्डर्स, उसके कंधों को धीरे से हिलाती हुई बोली कि क्या आज तुम्हें बहुत देर तक सोना है। इट इज लॉन्ग आफ्टर सनराइज, सूर्योदय हुए काफ़ी देर हो गई। शंकु रेज्ड हिज हेड, शंकु अपना सर उठाया, रेज्ड हिज हेड एट वंस, तुरंत अपना सर उठाया। हिज वाइफ पिक्ड अप द यंगर चाइल्ड, उसकी पत्नी जो है छोटे बच्चे को उठा लिया। हु वाज क्राउलिंग अप टू हर, जो वहीं रेंग रहा था, उसके पीछे पीछे रेंग रहा था माने चल रहा था हाथ और पैर के बल। एंड आस्क शंकु, और शंकु से पूछी, डू नॉट यू हैव टू गेट टू गो टू वर्क टुमारो टुडे, क्या तुम्हें आज काम पर नहीं जाना है। डू नॉट यू हैव टू गो टू वर्क टुडे, क्या तुम्हें आज काम पर नहीं जाना है। ओ यस ही सेड एंड गॉट आउट ऑफ बेड, हाँ हाँ नहीं जाना है, हाँ कहते हुए शंकु अपने बिस्तर से उठा, हाँ हाँ जाना है। ही स्टेप्ड डाउन इनटू द कोर्ट यार्ड इन ए हरी, और जल्दी से, हरी माने जल्दी से, कोर्ट यार्ड माने आंगन में बाहर, जो झोपड़ी के बाहर पीछे जो खाली स्थान था, तेजी से पैर रखा। स्टेप डाउन इनटू द कोर्ट यार्ड यानी नीचे झोपड़ी से, नीचे जो खाली मैदान था वो अपना पैर रखा।
वॉचिंग द गोल्डन रेज ऑफ द मॉर्निंग, सुबह के उस सुनहले धूप को देखने के लिए, मॉर्निंग सन पियर्सिंग द लस बम्बू फ्लिक्स ऑन द ईस्टर्न साइड, जो पूरब की तरफ से उस बांस के झुरमुट को चीरते हुए, ब्राइटनिंग द ओल्ड पाम लीफ थैच, उसके उसका जो छप्पर था उसके छप्पर के ऊपर जो पाम लीफ, पाम की पत्तियां, जो पत्तियों से, खजूर की पत्तियों से, पाम लीफ माने खजूर, ताड़, ताड़ की पत्तियों से छाया हुआ जो उसका छप्पर था उसके ऊपर सूर्य की किरणें बांस के झुरमुट को चीरती हुई सोने की तरह चमक रही थीं। उस चमकते हुए सूर्य की किरणों को देखने के लिए शंकु उठा। ही वॉश्ड हिज फेस, वह अपने चेहरे को धोया, एंड हैंड्स और हाथ को भी धोया, एंड यूजुअल और रोज की तरह से ये उसका नियम था, पुट ऑन हिज वर्किंग क्लॉथ्स, वह अपना वर्किंग क्लॉथ्स माने काम करने वाले कपड़े को पहना, फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं उनको कपड़े मिलते हैं खाकी रंग के, तो खाकी रंग का कपड़ा उसने अपने पहना डाला, एंड वाज अबाउट टू लीव फॉर हिज फैक्ट्री, और अब फैक्ट्री की ओर जाने ही वाला था, न चाय न पानी न जलपान कुछ नहीं, उठा मुँह धोया और अब जाने ही वाला था, वेन हिज वाइफ सेड, तब तक उसकी पत्नी ने कहा, लिसन, सुनिए, सुनो, बड़े प्रेम से कहा, पत्नी ने कहा, सुनो, यू मस्ट बाई सम आंटमेंट फॉर द चाइल्ड, निश्चित रूप से तुम एक आंटमेंट माने मलहम, एक मलहम बच्चे के लिए खरीद लेना। सी ग्रीव ए कमांडिंग लुक एट हिम, उसने एक कमांडिंग लुक, एक आदेशात्मक दृश्य उसके ऊपर डाली, यानी उसकी पत्नी लिसन, यू मस्ट बाई सम आंटमेंट, लिसन से यहाँ प्रेम से नहीं कह रही है, मैंने आपको बताया कि बड़े प्रेम से बोली, लेकिन वास्तविकता यह है कि यहाँ प्रेम से नहीं बोली, आगे चल कर के प्रेम से बोलेगी या प्लीज कहेगी, इस बार तो आदेशात्मक दृष्टि में कही, लिसन, सुनो, सुनो, यू मस्ट बाई सम आंटमेंट फॉर द चाइल्ड, तुम निश्चित रूप से बच्चे के लिए एक मलहम खरीद लेना। सी थ्रू ए कमांडिंग लुक एट हिम, और उसके ऊपर वह एक आदेशात्मक दृष्टि डाली, यानी आदेश देती हुई बोली, शंकु फेल्ट दैट, शंकु ऐसा महसूस किया जैसे ईच ऑफ द सोर ऑन द चाइल्ड्स फास्टरिंग बॉडी, बच्चे के शरीर पर जितनी फुंसियाँ निकली हुई थी, वाज स्टेयरिंग एट हिम ए ग्रूसम वेज, वे सब की सब फुंसियाँ जो है स्टेयरिंग माने घूर घूर करके शंकु की ओर देख रही थी, ए ग्रूसम वेज माने एक भयंकर, काफी भयानक दृष्टि के साथ, सारी फुंसियां शंकु की ओर ही देख रही थी। ए मोमेंट पास्ट इन साइलेंस, एक क्षण जो है शांतिपूर्वक व्यतीत हुआ। इस प्रकार मैंने आपको इस पाठ को बताया, ये प्रथम वीडियो है, अब इसके बाद जो बचा हुआ है इसे मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।